अरे बाप रे, लेट हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा मैं लेट हो गया। हाय हाय, लेट तो मैं हो गया था जी। क्यों, कैसे? ओ मेरी ना बहुत देर से ना कंघी नहीं मिल रही थी। ओहो, तो ये जुल्फन सवार के कहाँ जा रहा था? पैसा मिल गई। क्या मिल गई? कमो जी, कमो कमो। आपको नहीं पता, भूल गए मेरा पहला प्यार, मेरा आखिरी प्यार कमो, मेरी तेरे गुजार। उसका ना फोन आया था, आपको पता है, उसकी आवाज सुन के ना मेरी तो हाथों के तोते ही उड़ गए भाई साहब। अरे तो फिर हाथों में तोते लेके क्यों घुमा रहा था? उन्हें पिंजरे में क्यों नहीं बंद किया? सिर मत घुमाओ, ये ना एक कहावत है। अच्छा, उसने ना मुझे ना ढाबे पे बुलाया, रेस्टोरेंट में। आपको कैसे पता? नहीं नहीं, क्या है कि शहर में रेस्टोरेंट होते हैं ना, ढाबा नहीं होता। जी जी, कौन सा रेस्टोरेंट में बुलाया? पता नहीं, वो पिंडी बाजार में ना कोई है, वो क्या कहते हैं उसको, तड़पती रेस्टोरेंट। तड़पती नहीं, तृप्ति रेस्टोरेंट होगा। तृप्ति तो तब होगी ना जब मैं वहाँ पहुंचूंगा, अभी तो वो तड़पती होगी। तो फिर जाना अकेले, तो बारात लेके जाएगा। अगर मैं गया, मुझे तो रास्ते नहीं पता, मैं कहीं खो खा गया तो मुझे थान तक पहुंच ही नहीं आएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरे साथ चलो ना। मैं? हाँ जी। भागने को लगते हो? देखो बात सुनो, आपको जाना पड़ेगा। देखो पाजू को कहने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है और सनी के पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। आप चलो ना। तो मैं कैसे जा सकता हूँ यार तुम्हारे साथ? ऑटो में। नहीं यार। हाँ जी, चलो ना। मैं नहीं जा सकता यार, मैं क्या करूँगा? आपको जाना पड़ेगा। पैसा क्या है कि कमोजी को देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरी जुबान बंद हो जाती है, मैं उनको कहने लायक कुछ होता नहीं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है। अगर आप मेरे साथ चलोगे ना पैसा, पता क्या होगा? आप कमोजी कह सकते हो, कमोजी देखो ये बेचारा ना जल्दी मछली की तरह आपके बिना तड़पता है ना। हो सकता है शादी ब्याह के बारे में बात हो जाए, और ना घर का कोई बुढ़ा साथ भी साथ में होगा। दूर गए, बुरा क्यों मान गए हो? अरे यार, तू मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश करता यार? अगर मैं गया तो तुझे कम्बो कहाँ से मिलेगी? हाय हाय, मेरा मतलब है कि देख, हो सकता है कम्बो को पसंद ना आए मेरा वहाँ जाना, और वो मुझे देख के नाराज हो जाए। ना ना, हाँ हम एक और 11 है, मुझे अकेले को देख के खुश होगी तो 11 बंदे को देख के और भी खुश हो जाएगी। भाई मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, तू समझता क्यों नहीं है? आपको चलना पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और मेरा सवाल ज्यादा बड़ा है, मैं कैसे करूंगा? तो जो करना याद कर लो, तौलिया साबुन मैं दे दूंगा आपको। मेरा वो मतलब नहीं है यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आपको जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे तो सही, आप नहीं जाऊंगा। देख तब कैसे नहीं जाते, आप एक काम करो। हाँ, ये बैग उठाओ। उठा लिया, फिर भी नहीं जाऊंगा। एक कदम आगे चलो। चला, नहीं जाऊंगा। दूसरे चलो। चला, नहीं जाऊंगा। दरवाजा मेरे साथ चलो। कितना टाइम लगा दिया। पैसा पैसा, आपने बाहर देखा कोई जनानी बेचारी अकेली सी अंदर आते हुए? नहीं जी, नहीं देखी। जान छोड़ तो जाऊं और फिर आऊं। कह रहे हो जी आप? अब मैं कह रहा था मैं जरा जाऊं। कहाँ जा रहे हो? पानी पिया। हाय हाय, हाँ जल्दी जाओ, जल्दी आना। मैं अभी आया था। हैंसी पाजी चले गए, कहीं ऐसा ना हो कम मुझे भी आ जाए। पानी सर रख देना यार। कम जी, क्या है इतनी खुंदा किसी के देख रहा? मैंने क्या किया है? एक मिनट, उठो आप कौन हो? अरे कम्मू जी, कमो। हाय 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 हाय, क्या हुआ? खुश नहीं हुआ मुझे देख के? नहीं, खुश खुश तो हुआ जी, ये देखो खुश तो हो गया, लेकिन ये आपने क्या हाल बना लिया अपना जी? आप ऐसे नहीं थे। क्या है बल्लू, वो गांव का माहौल है ना, बहुत पुराने ख्यालात का था, इसलिए मुझे वहाँ हर वक्त सलवार कमीज पहन के बैठा रहना पड़ा। पता है मेरा जी कितना घबराता था, दिल करता था भाग जाऊँ यहाँ से, मेरा दम घुटने लगा था। एक्सक्यूज मी, मैं दम मार लूँ? क्या मार लूँ? दम लो। दम? हाय 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 हाय। कमो जी,
आप सिगरेट भी पीती है जी? दरअसल मैंने अभी अभी शुरू की है, 20-25 साल। और कुछ लाऊं सर पानी के अलावा? तू जा। क्यों, पानी का स्टॉक खत्म हो गया है? खत्म ही हो जाएगा अगर 2-3 कस्टमर और भाई साहब जैसे आ गए। अच्छा काम करो, हमारे लिए चिल्ड बियर लेके आओ, 1 प्लेट चिकन लॉलीपॉप, 1 प्लेट चिकन टिक्का, ओके? और आप क्या लेंगे, बिस्की के जिन? ये सब कुछ आपने अपने लिए मंगाया है? या मैं कुछ नहीं लूंगा। 1 प्लेट कुछ नहीं। और हाँ सुनो, 1 पैकेट सिगरेट ले आना और उसे बिल में डाल देना। तुमो जी क्या है, आप शराबे भी पीती हो जी? ओफो, ये शराब थोड़ी, ये तो बियर है। और वैसे भी पार्टी में कभी कभी ड्रिंक पीना पड़ता है, तो उसमें क्या है, सोसाइटी में ऐसे होटल सभी करते हैं। आई डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय संजय। संजय हाँ बोल ना बेचारा, इतने दिन बाद मेरी याद आई, बोल ना क्या प्राइवेट। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मेरी प्राइवेट फोन कॉल है, मैं अभी आई। हाँ अभी आई। हाँ संजय बोल ना। हाँ जी भाई साहब। चलो सुहाना, परम तो टूटा है, जाना कि हुस्न क्या है, क्या से क्या हो गया बलू। चाचू कहाँ जा रहे हैं आप? आगे आगे ढलान है चाचू। आए आए, कमाल है चाचू, आप कमोजी से मिले और आपने हमें बता तक नहीं। वेरी बैड चाचू, वेरी बैड, वेरी बैड चाचू। अरे वैसे आप एक बात बताइए, आप कमोजी से मिले, कुछ गाने वाने गाए आपने पेड़ के पीछे छुप के, कुछ ही खू, आई मीन समथिंग? कमाल है चाचू, क्या बात है, आप बड़े उदास उदास लग रहे हैं। एग्जैक्टली आई रिमेम्बर डैड कुछ बता रहे थे कि आप रेस्टोरेंट से भी काफी उदास होके निकले थे, सब कुछ ठीक तो है ना? चाचू आप पता कैसे लग रहे हैं, एकदम देर रात के आमिर खान, जब उसकी पारो यानी ऐश्वर्या राय की शादी हो रही थी ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं आप। में आमिर खान था, शाहरुख खान था, लेकिन खान तो था और वो दास भी था, एनीवे फॉरगेट दैट। लेकिन आप बात करें कि पारो ने, मेरा मतलब कम्मू ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? कर दिया। हाय हाय, मैं नाम ही सिर हिला रहा हूँ। शादी के लिए तो बिल्कुल उसे इनकार नहीं किया, वो तो तैयार है, वो तो छोड़ो, वो तो मेरे साथ आने को भी तैयार थी। आप लाइक कर रही मेरा मन नहीं माना। कमाल है चाचू, जंगल जंगल सहरा सहरा खाक शादी, जिसकी मोहब्बत के लिए आप दुख दुखी बजाते बजाते गांव से शहर आए, जब उसने कहा कि उसको आपके साथ आना है तो आप उसे लेके नहीं आए। वेरी बैड। बैड तो मेरे साथ हुआ है, समझ नहीं आया हो क्या रहा है। ओ भाई, जो गांव में देखा था वो सही था या जो अभी देख के है वो सही है? मैं तो परेशान हो गया। देखो जी, जिसको मैंने सलवार कमीज में देखा था आज वो अचानक नहाने वाला तौलिया लपेट के आ गई, और जो गंगा जल पीती थी शराब पी रही थी आज। हाँ जी, शराब पानी थी, दातन करती थी, अब सिगरेट पीती है। सिगरेट? मैं तो उदास हूँ। चाचू आप उदास मत होइए, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। अच्छा हाँ चाचू ठीक हो रही है, आप चिंता मत करिए, शादी के बाद वो आदमी बन जाएगी। मेरा मतलब सुधर जाए। अच्छी मुलाकात हुई है कमोजी से शहर में पहली बार, खाना तक नसीब नहीं हुआ, पहली बार में ये हाल, बाद में पता नहीं क्या होगा। चूल्हे के ऊपर कुछ तो रखा हुआ खाने के लिए, गर्मा गर्म है क्या? आया है खाली, खाली पड़ा है, क्या है बताओ? खाली बर्तन रखे हैं चूल्हे के ऊपर, बेवकूफ बनाने के लिए टक के रख दिए, बताओ? वो ये तो सारी खाना बनाने की मशीन नहीं रखी है, खाली खाली बंदा खाए क्या? इतनी जल्दी है बल्लू जी? मंदिर गई थी ना भगवान का शुक्रिया करने, उसने आप जैसे अच्छे इंसान से भी मिलवाया मुझे। नाना शुक्रिया तो आपका है जी, जो आपने मुझे प्रसाद खाने को दे दिया, बड़ी भूख लगी थी। आपको भूख लगी है? नाना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ना बाजार जाके समोसे खा लूंगा जी। नहीं नहीं आप
आप बाजार क्यों जाओगे? मैं कुछ बना देती हूँ, बस दो मिनट। हाँ आप तो तकलीफ करोगे, रहने दो, खुद ही बना लूंगा। नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगे? वैसे भी ये सब काम तो मुझे करना ही है ना शादी के बाद, तो पहले ही सही। शादी के बाद? पिंकी जी, आप लोग बहुत अच्छे हो जी। मालूम है जी, आप ना सुंदर भी हो जी। मालूम है जी, आप तो पढ़े लिखे भी हो। मालूम है जी, मेरी पूरी बात को होने दो। मुझे सब मालूम है जी। क्या मालूम है? आप यही कहोगे ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। फिर आप ही क्यों है जी? इसका मतलब ये जी कि जब दिल आया गधे पे तो परा क्या चीज है। परा? जी जी, कहावत है जी। किसने बताई आपको ये कहावत? चौसी आंटी ने। लानत है जी, ये कहावत ऐसी नहीं है ना जी। तो फिर क्या है? कहावत है दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। लेकिन आप गधी कैसे हो सकते हो? हाय हाय, मतलब मैं गधा हो सकता हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। ये क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब वो था। ओए आप ना, ये वो का मतलब आप पढ़े लिखे समझो। पिंकी जी, पिंकी जी, मैं ना आपसे ना कुछ छुपाना नहीं चाहता जी, मैं ना आपको सब साफ साफ बताना चाहता हूँ जी। बात दरअसल ये है कि मैं ना हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। ये पाजी ना हमेशा देख के बुलाते हैं। पाजी कहाँ था तू? मैं जी रसोई में था जी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल शाम की पूछ रहा हूँ कहाँ था तू। कल ना जी मैं वो क्या कमो से मिलने गया था ना। हाँ जी हाँ जी, मिली? हाँ जी कमो मिली? हाँ जी हाँ जी मिली ना जी। शादी के बारे में क्या कहती है? तैयार है जी। और तू? मैं भी तैयार ही हूँ। और हम? आप भी तैयार हो हैं? मतलब आप भी तैयार हो ही जाओगे ना जी, अब आपके भरा का घर बसेगा तो आप तैयार नहीं हो? तो ऐसे कैसे तैयार हो जाएंगे? घर बताना तो ढंग से बता, कोई ढंग तरीका होता है कोई? तैयार हो जाए लड़का लड़की बार मिले और शादी की बात हो गई, शादी हो जाए और भले बुजुर्ग बात करें तब जाके शादी तय होती है। तो एक काम कर, उसके माँ पे को क्या क्या के मिले हमसे, हम बात करते हैं। तो माँ पे हो तो कब के मर खप गए होंगे उसके, खुद उसकी उम्र नानी की है तो माँ पे कहाँ से लाऊं। ठीक है तो तेरी नानी को क्या आके मिले आज शाम को, मैं बात करता हूँ उससे। आज शाम को कैसे बुला सकता हूँ? आप सोचो पिंकी जी कार में है, उनको पता ही नहीं है इस बारे में, आपने भी कुछ नहीं बताया उसको बेचारी को, उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। अब मुझे सुनना आना था कि तुझे कम्मो मिल जाएगी है, अब उसे शाम को बुला ले। सिमी जो है पिंकी मिलने के बाद बाजार चले जाएगी, उस वक्त एक बार तेरी बात पक्की हो जाए फिर पिंकी को बता देंगे। ठीक है? ठीक है ठीक है, बुला रहे हो क्या? कहाँ फंस गया मैं? बैठिए। हाय हैंडसम, आप बैठिए, आप बैठिए ना, बैठिए। बाहर नहीं, यहाँ बैठिए। सॉरी, घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? या, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। क्या लेंगी आप?
चाय कॉफी कुछ ठंडा बनानी तो मुझे ही पड़ेगी। मेरा मतलब है आपको बनानी पड़ेगी। फिलहाल अ ग्लास ऑफ बियर विल डू। नो प्रॉब्लम, ऐसी तकलीफ होगी आपको, इट्स ओके। आप बल्लू से शादी करना चाहती हैं? नो मेरा मतलब है बल्लू मेरे से शादी करना चाहता है। और आप नहीं चाहती? या आई डोंट माइंड, मैंने तो बल्लू से पहले भी कहा था कि अगर हमें साथ ही रहना है तो फिर शादी वादी का खर्चा करने की क्या जरूरत है, हम वैसे अकेले कहीं रह जाते हैं, है ना बल्लू? कमाल कर रहे हो आप, बगैर शादी के कैसे इकट्ठे रह सकते हो आप दोनों? अरे क्या बात कर रही है, इंग्लैंड अमेरिका में दोस्ती ऐसे ही रहते हैं। ये इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं है, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। तो ठीक है फिर आप शादी करवा दीजिए, लेकिन शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि? पहली शर्त ये है कि शादी के बाद बल्लू मेरे साथ रहेगा। तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना, पड़ोसी के साथ थोड़ी रहेगा। आई डिडंट मीन दिस सिली गर्ल, मेरा मतलब है कि शादी के बाद मैं और बल्लू अकेले कहीं और रहेंगे। बिकॉज मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम साथ है, ये शर्त जो आपकी ये ठीक नहीं है कमोजी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छी शर्त नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है मेरी शर्त। और मेरी दूसरी शर्त है कि बल्लू हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, जब मैं रात से रात को थक गया होगी तो मुझे प्यार करेगा, पिलाएगा, मेरी सेवा करेगा। और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट शर्त वो ये कि ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट फुल 1 ईयर होगा। यस फुल 1 ईयर। अगर 1 साल बल्लू और मैं हिट हो गए आपस में निप गए तो फिर ठीक है, वरना डाइवोर्स। एक्सक्यूज मी, आई लॉलीपॉप, मेरे पास भी नहीं आई तुझे, कहाँ पर है तू? अच्छा कौन सी बार में? चांदनी बार। ओके ओके क्या हुआ, सुबह से ही शुरू हो, मैं रात से खत्म नहीं की। नॉटी बॉय। ठीक है मैं आती हूँ। Hold your horses, okay? Okay, bye. What? तुझे भी किस चाहिए? Okay, नहीं. Boom, boom, boom. Okay, honey, you devil. Okay, bye. माफ कीजिएगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा, ओके? आपका जो भी फैसला हो ना, मुझे SMS कर दीजिएगा, ओके? Bye. Bye, handsome. वाह, औरत देखे भला है। बल्लू वो यही परखटी मिली थी तेनू? पाजी पर तो थे पिंड में, यहाँ आके कटा लिया उसने। चुप कर, तेरी शादी नहीं हो रही इसका मतलब ये तो नहीं कि सड़क से किसी को भी उठा लाएंगे और तेरी शादी कर देंगे। शर्म नहीं आती इससे? तेरी बिल्कुल शादी नहीं होगी। ये संस्कार दिए तेरे को हमने? बाबूजी वाकई ये कम्बो को जरूरत से ज्यादा एडवांस थी। मतलब गाँव में आपके सामने किसी की हुक्का पीने की हिम्मत नहीं थी। और इसको देखा आपने, इसके लक्षण देखे आपने? आपके सामने कैसे सिगरेट के धुएं छोड़ रही थी। नहीं 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 नहीं। और शर्तें कैसे रख रही थी? ऐसे शर्तें रख रही थी जैसे तेरे से शादी नहीं करी, आसान कर रही हो तेरे पे। हाँ। लेकिन मुझे तो ठीक ही लगी। क्या क्लास है, क्या स्टाइल है। और समधन जी आप तो रहने दीजिए, और आप तो चाहेंगे कि आपकी बिरादरी में इजाफा हो। ये शादी नहीं हो सकती बल्लो, मैं शादी कभी नहीं होने दूंगा। और मैं आपको देखे मकीन नहीं कर सकता। और चुप खोते, और तेरी शादी होगी सिर्फ पिंकी से होगी इसी हफ्ते, सुन ले। और कोई चू चपट की तो पंखे से उल्टा टांग दूंगा तुझे। अफवाह नहीं करना। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? डैड, आपने तो कमाल कर दिया। डैड आपने क्या क्या एक्टिंग की है। डैड आपने मैदान मार लिया। वैसे आप एक्टर क्यों नहीं बन जाते? नहीं मेरा कहने का मतलब था कि आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। वाकई यार कितना बड़ा बखेड़ा अपनी जान से छूटा है। अरे मैं तो कहता हूँ कितना हल्का फुल्का हो गया हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि चाचू का घर बस जाएगा, और उससे अच्छी बात ये है शादी हो जाए, उसकी जिंदगी सेटल हो जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात हमें और क्या हो सकती है। हमारा तो मकसद भी यही था ना। थैंक यू। अब कितना और झाड़ू चढ़ाएगी।